आजकल जो बहुत सी बीमारियां हमको रोज परेशान कर रही हैं, उनमें सबसे खतरनाक में से एक है ब्लड प्रेशर। साइलेंट किलर इसको बोलते हैं, और ये इतना कॉमन होता जा रहा है कि उससे डरना हमारे लिए बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि ब्लड प्रेशर सिर्फ शुरुआत है। ये हार्ट अटैक, स्ट्रोक और आंखों की कमजोरी, इन सब चीजों का, यानी अंधापन तक का कारण बनता है। तो आपको पूरी कोशिश पहले तो ये करनी चाहिए कि इसको किसी भी तरह से प्रिवेंट करें, और अगर हो भी गई है तो उसमें भी हमारे पास वो हर काम हमको करना है जिससे हम इस पर काबू पा सकें। मेडिकेशन तो आपकी शुरू शायद अगर हो गई है तो अच्छी बात है, लेकिन अकेले दवा पे भरोसा मत कीजिए। उसके साथ साथ आपको एक तो मेडिटेशन उसमें जोड़ दीजिए, और दूसरे वॉकिंग एक्सरसाइज जो है ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दें। इसके साथ साथ आपको अपने खाने पे बहुत असर डालना है, आपके खाने का बहुत बड़ा असर पड़ता है आपके ब्लड प्रेशर पे, और रोज़मर्रा की चीज़ें, ऐसी कोई दवा की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। जैसे हमारा जो स्किम्ड मिल्क है, क्रीम निकला हुआ जो दूध है, कितनी ही रिसर्च हुई है उसमें पाया गया है कि ये हमारे ब्लड प्रेशर को 3 से लेके 10% तक कम कर लेता है, क्योंकि इसमें हमारे कैल्शियम भी होता है और वाइटामिन डी भी होता है। और इसी तरह से दही बहुत अच्छा असर डालता है, क्योंकि हमारे ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देता है। ये स्टडी हार्वर्ड में हुई थी। ये दोनों चीज़ें हमारे लिए फायदेमंद है। अगर हम हरी सब्जियों की बात करें तो ब्रोकली बहुत अच्छी है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छे से रेगुलेट करती है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम भी है, पोटेशियम भी है। इसी तरह से बीटरूट जूस जो है वो बहुत फायदेमंद हमारे लिए होता है। सिर्फ 200 ml भी अगर हम बीटरूट जूस पी लें तो हमारा 10 mm तक ब्लड प्रेशर को वो नीचे ले आता है, ऐसा रिसर्च में पाया गया है। होता क्या है कि इस जूस में नाइट्रेट होता है, जो शरीर में जाके नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे ब्लड वेसल्स को वाइटन करता है। और बात यही नहीं रुकती, क्योंकि इसमें कैल्शियम भी है, आयरन है, पोटेशियम है, तो ये और ज़्यादा फायदा करता है हमारे ब्लड प्रेशर को, इसको अपने जीवन का अंग बनाएं। तेलों की अगर हम बात करें तो सेसमे ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल, ये बहुत अच्छे हैं हमारे ब्लड प्रेशर के लिए, क्योंकि इनमें फैटी एसिड्स होते हैं, साथ में सेसमिन होते हैं, सेसमॉल होते हैं, सेसमोलिन होते हैं, और इजेनॉल होता है। इन सब कारणों से ये हमको बहुत फायदा करता है। इसी तरह से ऑलिव ऑयल भी हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि इसमें पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो हमको इन्फ्लेमेशन से और ब्लड प्रेशर दोनों से लड़ने में मदद करते हैं। कुछ छोटी स्टडीज हुई हैं जिसमें सिनेमन को बहुत अच्छा बताया गया है। अभी लंबा तो इस पर कोई बहुत डिटेल स्टडी नहीं हुई, लेकिन चुटकी दो चुटकी हमको डाल लेते हैं तो बहुत फायदा करेगा, क्योंकि दालचीनी जो है हमारे डायबिटीज़ में भी बहुत फायदा करती है। अच्छा, ऐसे कीवी फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनमें वाइटामिन सी होता है। पिस्ता फायदेमंद चीज़ है, क्योंकि ये भी हमारे ब्लड वेसल्स को वाइटन करता है। सिंपल सा तरबूज अपने अमाइनो एसिड की वजह से ये बहुत फायदा करता है। इसमें खास अमाइनो एसिड होता है, इसको सिट्रुलिन कहते हैं, उसकी वजह से हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। एक और चीज़ जो हमारे घर घर में खाई जाती है, लहसुन जो है वो ना सिर्फ हमारा कोलेस्ट्रॉल कम करता है बल्कि हमारे बीपी को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। एक और चीज़ जो आपके खाने का अंग होना चाहिए वो आपकी बेरीज हैं, चाहे वो ब्लैक बेरीज हों, ब्लू बेरीज हों, स्ट्रॉबेरीज हों। उनमें फ्लेवोनाइड्स इतने होते हैं कि वो हमारे बहुत फायदे की चीज़ है, उसका भी हमको फायदा उठाना चाहिए। और तो बड़ी चीज़ें तो छोड़िए, सिंपल जो अपनी दालें होती हैं ये भी ब्लड प्रेशर कम करने में बहुत मदद करती हैं। आप हैरान होंगे, 100 ग्राम मसूर की जो दाल होती है, पिंक दाल जो होती है, उसके अंदर पूरे केले से ज़्यादा पोटेशियम होता है, और हमारे ब्लड प्रेशर को लोअर करने में। इसी तरह से व्हाइट बीन्स, जिनको काबली चने कहते हैं, वो भी
बहुत फायदेमंद होते हैं हमारे लिए, क्योंकि उसमें कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, पोटेशियम भी है, ये भी फायदेमंद चीज़ें हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो आपको ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को बहुत लाभ पहुंचाती है, वो फर्मेंटेड फूड्स हैं। आप वो चाहे विदेश की कम्बुचा हो या भारत के जो कांजी होती है, वो बहुत फायदेमंद चीज़ है। बस एक ही बात का ध्यान रखें कि उसमें नमक हमारा ज़्यादा ना जाए, कई बार ज़्यादा हो जाता है, उसमें ध्यान रखें, बाकी बहुत फायदे की चीज़ है। अच्छा, ऐसे ही सिंपल सा जो ओट मील है, वो ब्लड प्रेशर में बहुत फायदा करता है। एक तो इसमें फाइबर बहुत है, इसमें बीटा ग्लूकैन होता है, उसकी वजह से फायदा करता है। हम पहले बीट रूट की जूस की बात कर चुके हैं, इसी तरह से एक और जूस जो हमको बहुत फायदेमंद होता है इसमें, वो है अनार का जूस। ये संतरे के जूस से भी ज़्यादा फायदा देता है। साथ में फ्लैक्स सीड्स को अपने जीवन में मिलाएं, करीब 20 से 30 ग्राम फ्लैक्स सीड्स जरूर ले लें किसी भी फॉर्म में। आप उसको स्मूदी पे भी डाल सकते हैं या सैलेड में भी डाल सकते हैं, किसी भी फॉर्म में जरूर लें। बस एक ही ध्यान रखें कि इसको थोड़ा सा कोर्सली ग्राइंड कर लें, कि उसके सबूत दाने होते हैं, उसको हमारा शरीर पूरी तरह से प्रोसेस नहीं कर पाता। ड्राई ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा हल्का सा कर सकते हैं। स्वाद चीज़ों में से आपका डार्क चॉकलेट बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट होता है फ्लेविनॉल, उसकी वजह से हमारे लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है। बस एक ही ध्यान रखें कि शुगर इसमें ना हो। एक चीज़ जो इसमें आप आसानी से जोड़ सकते हैं, वो है अपने आमंड्स, वो बहुत इसके साथ फायदेमंद होते हैं। बाकी रहा एक और चीज़, हमारे लिए केला बहुत अच्छा है, क्योंकि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आपको पोटेशियम चाहिए। आपको मालूम ही है, एक दिन में 4700 mg हमको, 4700 mg हमको चाहिए होता है पोटेशियम। एक केले में ही 420 के करीब होता है, यानी 11% रिक्वायरमेंट तो यहीं से पूरी हो जाती है। ऐसे जो और नेचुरल चीज़ें हैं, वो भी बहुत हमारे को फ़ायदा करती हैं। हमने अभी वाइट बीन्स के बारे में बात की, उनमें तो 1200 mg आपका होता है पोटेशियम। ऐसे एवोकेडो है, उसमें 975 mg होता है। तो ये सारा अकेले दवा के भरोसे नहीं रहना, इन सब चीज़ों को साथ जोड़ के अगर हम चलेंगे, ठीक कर पाएंगे, ब्लड प्रेशर से छुटकारा पा पाएंगे, और नहीं है तो उससे हम अपने आप को बचा के रख सकते हैं।